दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए मैं बोलूँगा आप लोग से कि अभी ही आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक का। आज गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों मज़े से टीवी देख रहे हैं, तभी उसके घर की बेल बजता है। सोन बोलता है पता नहीं कौन इस वक्त मरने आ गया। गुल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं कि टीवी देखते समय कोई भी आ जाए। गुल्ली बाहर जाकर देखता है, लेकिन बाहर तो कोई नहीं रहता। बाहर एक पता नहीं कार्ड रखा हुआ रहता है, गुल्ली उसे उठा लेता है। और जब गुल्ली घर में जाकर देखता है तो वो हैलोवीन पार्टी का इनविटेशन कार्ड होता है। सोन बोलता है कि किसके मरनी का कार्ड है, कौन मर गया। गुल्ली बोलता है कि ये मरनी का कार्ड नहीं है, ये हैलोवीन पार्टी का इन्विटेशन कार्ड है और हम लोग को किसी ने बुलाया है। सोन बोलता है कि हम लोग को कौन बुला सकता है, हम लोग को तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है। गुल्ली बोलता है कि अब पूछ लिया है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वहाँ खाने पीने का इंतजाम बर्बाद हो जाएगा। सोन बोलता है कि बुल्ली तुम तो सिर्फ ठूसने के बारे में ही सोचते हो, इसलिए तुम्हारा लेदा निकल गया है। बुल्ली बोलता है औकात में रहो सोन, मैं तुम्हारे बाप का नहीं खाता हूँ। गुल्ली बोलता है कि तुम लोग लड़ना बंद करो, चलो अब हम लोग को जल्दी से तैयार होकर चलना चाहिए हैलोवीन पार्टी के लिए, क्योंकि डेट आज ही का है। बुल्ली बोलता है कि हम लोग को कहाँ जाना है। बुल्ली बोलता है कि तुम लोग वो जगह भूल गए, वही पुरानी कब्रिस्तान के पास जहाँ हम लोग महुआ पीने जाया करते थे। सोन बोलता है कि हाँ हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक बार बुल्ली महुआ पी के वहीं पे उलट गया था और कुत्ता उसके मुंह पर पेशाब कर दिया था। बुल्ली बोलता है कि तमीज मेरा के बात करो सोन, मेरे मुंह में कोई भी कुत्ता पेशाब नहीं किया था। सोन बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ बुल्ली, तुम तो काफी ज्यादा सीरियस हो गए, तुम्हारे मुंह में कोई कुत्ता पेशाब नहीं किया था, बल्कि मैं ही तुम्हारे मुंह में पेशाब कर दिया था। बुल्ली का तो पारा हाई हो जाता है, दोनों में वहीं पे जबरदस्त कुटाई चालू हो जाता है। थोड़ी देर में ही गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों निकल जाते हैं पार्टी में जाने के लिए अपने पुराने स्कूटर में। सोन काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसे हैलोवीन पार्टी काफी ज्यादा पसंद है। तभी बुल्ली बोलता है कि हमें कौन इनवाइट कर सकता है पार्टी में। बुल्ली बोलता है कि हमें तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि हमें किसने इनवाइट किया है। सोन बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई भी इनवाइट करे, मुझे तो सिर्फ खाना पीना से मतलब है। गुल्ली बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये पार्टी बाबा ने दिया है और बाबा ने ही हम लोग को बुलाया है। सोन बोलता है कि वो बुढ़वा के खाए के ठीक नहीं है और हम लोग को पार्टी में बुलाएगा, उसका औकात से भीख मांगने का ही है। बुल्ली बोलता है कि सोन तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो चुके हो, लगता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से कुटाई करना ही पड़ेगा। सोन बोलता है कि शांति से बैठ वरना तेरा मार मार के हालत खराब कर दूंगा। बुल्ली तो सोन की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो चुप रहता है। अब थोड़ी देर में ही तीनों पुरानी कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। कब्रिस्तान के पास तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज नाच रहे हैं, पार्टी में तो अच्छा खर्चा किया गया है। सोन बोलता है अरे ये तो असली ज़ॉम्बीज लग रहे हैं। गुल्ली बोलता है कि बेटा सोन अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें असली और नकली में फर्क नहीं पता चलेगा, ये सब मेकअप का कमाल है। बुल्ली बोलता है कि अरे बाबा नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं बाबा कहाँ है। सोन बोलता है कि बुढ़वा कहीं यहीं पे दारू पी के लोटा हुआ होगा, बाबा को छोड़ो चलो हम लोग पार्टी का मजा उठाते हैं। अरे सोन तो हिप हॉप करने लगा। सोन बोलता है कि कम ऑन गुल्ली बुल्ली, तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से आओ, तुम लोग भी अपना मोटा मोटा कमर हिलाओ। अब गुल्ली बुल्ली भी नाचने लगते हैं। सोन तो आज काफी ज्यादा जोश में, नाचते नाचते वो तो एक जॉम्बीज को धक्का ही मार देता है। उस जॉम्बीज को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जॉम्बी भी सोन को मारने लगता है। अपना सोन भी किसी से कम है क्या, वो भी मारने लगता है। तभी उसमें से एक जॉम्बीज बोलता है कि तुम लोग क्यों मार रहे हो मेरे आदमी को। सोन बोलता है कि ये तुम्हारा आदमी है, मतलब कि तुम इसका औरत हो। जॉम्बीज बोलता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो, ये तो हम लोग जॉम्बीज का पार्टी है, लेकिन तुम लोग तो जॉम्बीज लग नहीं रहे हो, तुम लोग तो इंसान लग रहे हो। तो गुल्ली बोलता है कि मेकअप करने से कोई जॉम्बीज नहीं हो जाता, तुम लोग भी तो इंसान ही हो। जॉम्बीज सारे हंसने लगते हैं। उसमें से एक जॉम्बीज बोलता है क्या तुम लोग को मैं इंसान दिखता हूँ और तुम लोग को यहाँ कौन बुलाया है। गुल्ली बोलता है कि हम लोग को एक कार्ड मिला है और हमें पुरानी कब्रिस्तान के पास जाना था। उसमें से जॉम्बीज बोलता है यहाँ दो दो कब्रिस्तान है, कौन से कब्रिस्तान के पास। गुल्ली बोलता है कि हमें हगना कब्रिस्तान के पास जाना था। उसमें से एक जॉम्बीज बोलता है लेकिन ये तो पदना कब्रिस्तान है। तीनों डर जाते हैं, अरे ये तो हमें असली जॉम्बीज से सामना हो गया है। तभी उसमें से एक जॉम्बी जोर से चिल्लाता है मारो सालों को। ये गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों वहां से भाग जाते हैं और सारे जॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं।
तीनों भाग ही रहे होते। भागते भागते शॉन का पैर फिसल जाता है और शॉन वहीं पर गिर जाता है। गुल्ली बुल्ली शॉन से बोलते, चलो शॉन उठो जल्दी, नहीं तो हम लोग जॉम्बीज के हाथों मारे जाएंगे। शॉन बोलता कि अब मैं भाग नहीं पाऊंगा गुल्ली बुल्ली, मुझे यहीं तुम लोग छोड़ के चले जाओ, मुझे मेरा मौत दिखाई दे रहा है। गुल्ली बोलता है, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, हम तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, कोशिश करो और उठो। शॉन बहुत हिम्मत करके उठता है और लंगड़ाते लंगड़ाते भागने लगता है। तीनों भागते भागते सामने एक झोपड़ी दिखता है, तीनों उसी झोपड़ी में छिप जाते हैं और सारे जॉम्बीज भी गुल्ली बुल्ली शॉन को ही खोज रहे हैं। गुल्ली बोलता कि लगता आज रात भर हमें यहीं रहना पड़ेगा। शॉन बोलता कि मैं छोटे झोपड़ी में नहीं रहने वाला, मेरा फेवरेट एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा देने वाला है, मैं वो देखने जाऊंगा। गुल्ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता शॉन पे कि तुम्हें यहाँ पे मरने के बारी आ गई और तुम्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है। गुल्ली भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, अबे पांचवी फेल पागल औरत। लेकिन शॉन को तो आज तारक मेहता देखना ही है। शॉन झोपड़ी के बाहर झांक कर देखता है, बाहर तो कोई भी नहीं है। शॉन बोलता है, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा यहाँ से निकलने का। गुल्ली बुल्ली शॉन को मना करते हैं कि अभी बाहर मत जाओ, हम लोग खतरों से खाली नहीं है। शॉन बोलता है, मैं तो जाऊंगा, देखता हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। शॉन बाहर चला जाता है लेकिन गुल्ली बुल्ली तो अंदर ही रह जाते हैं। शॉन जैसे ही बाहर जाता है सामने एक जॉम्बी जाकर खड़ा हो जाता है। शॉन का दांत सिट्टी पिट्टी गुल है। गुल्ली बुल्ली शॉन को छुपकर देख रहे होते हैं, तभी वो जॉम्बी शॉन को उड़कर एक लात मारता है। शॉन तो वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर वो जॉम्बी जाता है और शॉन को गले में काट लेता है, जिससे कि शॉन भी जॉम्बीज बन जाता है और अब शॉन भी एक भयानक जॉम्बीज बन गया है। गुल्ली बुल्ली तो ये नज़ारा देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और टेंशन में भी आ जाते हैं कि शॉन को वापस ठीक कैसे किया जाएगा। जॉम्बी शॉन से बोलता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें जॉम्बीज बन के। वाह भाई वाह, तुमने तो मुझे जॉम्बीज बना के बहुत ही अच्छा किया है, लग रहा है जैसे शरीर में एक अजीब सी ताकत आ गई है और खून पीने का मन कर रहा है। शॉन और जॉम्बीज तो वहां से चले जाते हैं। तभी बुल्ली गुल्ली से बोलता है कि ये क्या हो गया गुल्ली, ये तो शॉन भी जॉम्बीज बन गया, इसे ठीक कैसे किया जाएगा। गुल्ली बोलता है कि इसका उपाय मुझे पता है बुल्ली, मुझे बाबा ने बताया था कि अगर किसी को कोई जॉम्बीज काट ले और वो जॉम्बीज बन जाए तो उसे चप्पल सुंघा दो, वो भी चमड़े वाला, क्योंकि जॉम्बीज भी एक मिर्गी का बीमारी का जैसा होता है, लेकिन चमड़े का चप्पल तो घर पर है। बुल्ली बोलता है कि चलो हम दोनों जल्दी से घर जाकर चमड़े वाला चप्पल लेकर आते हैं। गुल्ली बुल्ली जैसे ही उस कमरे से बाहर आते हैं सामने देखते हैं कि शॉन अपना पूरा जॉम्बीज का फौज लेकर गुल्ली बुल्ली की तरफ ही आ रहे होते हैं। ये देख के तो गुल्ली बुल्ली अंदर घुस जाते हैं और दरवाजों को बंद कर देते हैं अंदर से। शॉन अपनी पूरी जॉम्बीज की सेना लेकर आता है और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। शॉन बोलता है कि मुझे पता है गुल्ली बुल्ली कि तुम दोनों अंदर ही हो, शांति से बाहर आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अंदर से गुल्ली बोलता है कि बेटा शॉन, तुमने मेरा नमक खाया है और बाप के साथ नमक हलाली नहीं करना चाहिए। शॉन बोलता है, पहले तुम बाहर तो आओ, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छा से नमक चटाता हूँ। बुल्ली बोलता है, मैं नहीं आऊंगा, जो करना है कर लो। तो उसमें से एक जॉम्बीज बोलता है कि मैंने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है गुल्ली बुल्ली, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। शॉन बोलता कि तुम पागल हो गए हो क्या, हमने तो इसे सिर्फ सामने से घेरा है, तुम बोल रहे हो चारों तरफ से घेरा हूँ। जॉम्बी बोलता कि ये सब बोलना पड़ता है, फैशन है आज का। उसमें से एक जॉम्बीज बिहार का रहने वाला था, वो दरवाजा पीटने लगता है और बोलता है, खोला सन हो, खोला सन, खोला ना तो दरवाजा तोड़ दे, अखवे फोड़म, हड्डिया तोड़म। उसमें से एक जॉम्बीज एक लात दरवाजे पे जोर से मारता है जिससे दरवाजा कवड़ के हाथ में आ जाता है। गुल्ली बुल्ली को तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था कि दरवाजा भी टूट सकता है। उसमें से एक जॉम्बीज बोलता है कि अब तेरा क्या होगा काली, अब तो तू भी जॉम्बीज बनेगा। दोनों गुल्ली बुल्ली जॉम्बीज के पैरों के नीचे गिर जाते हैं और अपने जान की भीख मांगने लगते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दो। जॉम्बीज बोलता है कि छोड़ देंगे लेकिन पहले उससे पहले तुम्हें तोड़ेंगे। लेकिन गुल्ली बुल्ली तो जॉम्बीज के साथ धोखा कर देते हैं। उसमें से गुल्ली जॉम्बीज का पैर खींच के नीचे गिरा देता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब तो जॉम्बीज को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अब तो गुल्ली बुल्ली को वो छोड़ने वाले नहीं है। सारे जॉम्बीज भी गुल्ली बुल्ली के पीछे पीछे भागने लगते हैं। गुल्ली गुल्ली से बोलता कि अब क्या होगा गुल्ली, लगता है ये जॉम्बीज हमें आज छोड़ने वाले नहीं है। गुल्ली बोलता कि तुम किसकी टेंशन मत लो, तुम सिर्फ भागने पे ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गुल्ली बोलता कि अब तुम्हारा प्लान क्या है गुल्ली।
गुल्ली बोलता है कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो कुछ करेंगे वो बाबा लंगोटी लाल करेंगे। दोनों भागते भागते आगे रुक जाते हैं, सारे जॉम्बीज भी रुक जाते हैं। सोन बोलता है कि क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, बस थक गए तुम लोग, शरीर का ताकत खत्म हो गया, जॉम्बीज बन जाओ, तुम्हारे शरीर में बहुत ही ताकत आ जाएगा। तभी गुल्ली बुल्ली दोनों पीछे स्टाइल से मुड़ते हैं। गुल्ली बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम बैड हो तो हम तुम्हारे डैड हैं। सोन बोलता है कि केजीएफ देख के आया है का। गुल्ली बोलता है कि केजीएफ तो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सोन बोलता है कि अब बहुत हो गया, अब तुम लोग तैयार हो जाओ जॉम्बीज बनने के लिए। गुल्ली बोलता है रुको जरा, सबर करो। सोन बोलता है कि अब सबर करने का वक्त नहीं है, सारे जॉम्बीज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। सोन बोलता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। गुल्ली बोलता है कि मुझे वो बचाएगा जिसके आने से हवाएं चलने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती है, कुत्ते भौंकने लगते हैं। उसमें से एक जॉम्बीज बोलता है कि कौन है ऐसा 30 मार खान, जरा मैं भी तो देखूं। गुल्ली बोलता है कि तुम जरा ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी घोड़े की दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही होगी। तो अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, अब कहानी में हीरो आ गया है। बाबा सारे जॉम्बीज के पीछे से छलांग मार के आगे आ जाते हैं। उसमें से एक जॉम्बीज बोलता है कि ये बुड्ढा मुझे मारेगा, मुंह में दांत भी है इसका, मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं है, ये मुझे को मारेगा। सोन बोलता है कि इस बुड्ढे को कम मत तुम लोग समझना, ये बाबा लंगोटी लाल है और ये चाइना जाके कराटा सीखा है और बहुत मारता है और जादू टोना भी जानता है। जॉम्बीज बोलता है कि तुम लोग कुछ भी करो लेकिन ये मेरे सामने कुछ नहीं है, अभी देखो मैं इस बुड्ढे का एक फेंट में सारा मुंह का नकली दांत का सेट गिरा दूंगा। बाबा को जॉम्बीज मारने जाता है लेकिन वो जैसे ही एक फेंट मारता है उससे पहले बाबा उसे एक फेंट मार देते हैं, वहीं पर वो जॉम्बीज ढेर हो जाते हैं। अब सारे जॉम्बीज डर जाते हैं। सोन बोलता है कि मैंने बोला था ये बाबा लंगोटी लाल है। बाबा बोलते हैं कि गुल्ली बुल्ली अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा पीर बाबा आ गया है। सोन बोलता है कि इस बुड्ढे पे सारे एक साथ हमला करो। सारे जॉम्बीज बाबा पे छलांग लगा देते हैं और अब बाबा सारे जॉम्बीज की जबरदस्त कुटाई चालू कर देते हैं। पीछे से एक जॉम्बीज बाबा के सर पे डंडे से हमला कर देता है जिससे कि बाबा वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। बाबा के सर से तो बहुत ज्यादा खून बह चुका है, अगर जल्दी ही बाबा को किसी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया तो बाबा शायद मर भी सकते हैं। सोन बोलता है कि क्या हुआ बुड्ढे, तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई क्या। गुल्ली बुल्ली दोनों सोन से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं, बोलते हैं कि हमें छोड़ दो और बाबा को हॉस्पिटल ले जाने दो, नहीं तो बाबा की यहीं पर मौत हो जाएगी। सोन बोलता है कि मैं इस बुड्ढे को माफ नहीं बल्कि इस बुड्ढे को साफ करूंगा। सोन बोलता है कि तुम लोग मेरे पैर से थोड़ा दूरी रहो क्योंकि तुमने मेरे आदमी को पटक दिया है एक बार, अब मैं तुम्हें खुद को पटकने नहीं दूंगा, और इस बुड्ढे को जंजीरों से बांध दो। सारे जॉम्बीज बाबा लंगोटी लाल को जंजीर से बांध देते हैं। गुल्ली सोन को बददुआएं देने लगता है। गुल्ली बोलता है कि तुम्हें कीड़े पड़ेंगे सोन, तुम्हें मेरी हाय लग जाएगी, तुम चलते ट्रक के नीचे आ जाओगे, तुम्हारी आंखें फूट जाए भगवान करे। सोन बोलता है कि तुम सबकी जान इस बुड्ढे में ना है तो अब देख मैं इस बुड्ढे की क्या हाल करता हूँ। सोन बाबा लंगोटी लाल के शरीर में एक बहुत ही बड़ा रड घुसा देता है। बाबा से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लगता है कि बाबा मर ही गए हैं। सोन बोलता है कि अबे गुल्ली बुल्ली अभी बुड्ढे का खेल खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी। गुल्ली बुल्ली बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब सोन धीरे धीरे बड़ा रड लेकर गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ता है। दोनों गुल्ली बुल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। सोन जैसे ही गुल्ली बुल्ली को मारने जाता है पीछे से बाबा बोलते हैं, अबे मौगे मर्द का बच्चा है तो इस शेर से लड़। उसमें से एक जॉम्बी बोलता है कि ये बुड्ढा काफी ज्यादा फड़फड़ा रहा है, लगता है इस बुड्ढे को ये घूसण मारना पड़ेगा, इस बुड्ढे के हाथ खोल दो, अभी पता चल जाएगा कौन है मर्द। सोन बोलता है कि ये गलती मत करना जॉम्बी चचा, नहीं तो तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा, ये बुड्ढा बहुत ही तेज है। बाबा बोलते हैं कि लगता है कि तुम लोग डर गए हो मुझसे। जॉम्बी बोलता है कि डरना तो पड़ेगा अब तुझे क्योंकि अब मैं तेरी जो हाल करने वाला हूँ वो तो भगवान ही जानेगा। सोन बोलता है कि इस बुड्ढे की बात को इग्नोर करो, चलो पहले इसका काम तमाम करते हैं। बाबा हंसने लगते हैं और बोलते हैं मुझे तुम लोग से यही उम्मीद था। जॉम्बी बोलता है कि मैं अभी तुझे बताता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सोन बोलता है कि तुम इससे जीत नहीं पाओगे जॉम्बी चचा। जॉम्बी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे बहादुरी पे शक कैसे किया। बाबा बोलते हैं कि झुंड में तो कुत्ता भी शेर बनता है, वही तुम लोग के साथ भी है, तुम लोग भी झुंड में शेर बन रहे हो और तुम लोग के हाथ में हथियार भी है। तुम लोग ने मेरा सर फोड़ दिया और तुम लोग ने मेरे शरीर में खंजर भी घुसा दिया, फिर भी तुम लोग डर रहे हो, अगर मर्द का बच्चे हो तो मेरे हाथे खोल कर देखो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। जॉम्बीज बाबा के हाथ को खोल देते हैं। दोस्तों अब होता है जॉम्बीज और बाबा में महा मुकाबला, तो दोनों में कौन जीतेगा आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्या
बाबा तो जाते के साथ ही जॉम्बीज पे मुक्कों की बरसात कर देते हैं। बाबा काफी ज्यादा गुस्सा में क्योंकि आज बाबा ने काफी ज्यादा लात खाया है, लेकिन अब बाबा लात खाने वाले नहीं है बल्कि लात खिलाने वाले हैं। बाबा जॉम्बीज को पटक पटक के मार ही रहे होते हैं, तभी पीछे से सोन त्रिशूल घुसा देता है बाबा में, जिससे कि बाबा एक बार फिर से दांत चियार देते हैं। दोस्तों तो आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सारे जॉम्बीज बाबा को एक बार फिर से बांध देते हैं। सोन बोलता है कि जॉम्बी चचा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम इस बुड्ढे से जीत नहीं पाओगे, वहां तो मैं आ गया कि बुड्ढे पे पीछे से त्रिशूल भोंक के तुम्हें बचा लिया। जॉम्बी बोलता है कि मैं भी इस बुड्ढे से कम नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने लस्सी नहीं पिया था जिससे कि मेरे शरीर में थोड़ा कमजोरी लग रहा था। सोन बोलता है कि मैंने तुझे बचा लिया, नहीं तो ये बुढ़ाओ तेरा ही लस्सी निकाल देता। सोन बोलता है कि मुझे तो लगता है कि इस बुड्ढे को हम लोग जॉम्बीज बना देते हैं, क्योंकि अगर हमारे टीम में ऐसा शक्तिशाली बुढ़ाओ आ जाएगा तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। सारे जॉम्बीज जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बुढ़ाओ को जॉम्बी बनाओ। सोन बाबा को काट लेता है। अब तो बाबा भी जॉम्बीज बन चुके हैं। बाबा जब जॉम्बी बनते हैं तो अपने जंजीरों को तोड़ देते हैं। सोन बोलता है कि स्वागत है बुढ़ाओ हमारे टीम में, तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें जॉम्बीज बनकर। बाबा लंगोटी लाल बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है जॉम्बीज बन के, लग रहा है मेरे सारे शरीर का दर्द निकल गया है, लग रहा है मैं अभी 20 साल का लौंडा बन गया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खून पीने का मन कर रहा है। सोन बोलता है कि इसकी टेंशन मत लो बुढ़ाओ, यहाँ पे गुल्ली बुल्ली है, उसे काट के खाएंगे, उसका खून पिएंगे। इतना सुनते ही गुल्ली बुल्ली वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों ये क्या हुआ, जो बाबा गुल्ली बुल्ली को बचाने आए थे आज वही बाबा गुल्ली बुल्ली के खून के प्यासे बन गए हैं। बाबा और सोन भी बोलते हैं कि पीछा करो जल्दी से इस गुल्ली बुल्ली का, मुझे इसका खून पीना है। सारे लोग गुल्ली बुल्ली का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली गुल्ली से बोलता है अब क्या होगा गुल्ली, अब हमें कौन बचाएगा, अब तो बाबा भी जॉम्बी बन गए हैं। गुल्ली बोलता है कि अब हम दोनों को ही बाबा और सोन का इलाज करना पड़ेगा। गुल्ली बोलता है लेकिन कैसे, अब तो हमारे साथ कोई है भी नहीं। गुल्ली बोलता है कि मुझे बाबा की बातें अच्छी तरीके से याद है, बाबा ने बोला था अगर कोई जॉम्बीज बन जाए तो उसे चप्पल सुंघा दो, वो भी चमड़े वाला। गुल्ली बोलता है कि चलो घर, घर में मेरे एक चमड़े का चप्पल रखा हुआ है। गुल्ली बुल्ली दोनों भागते भागते घर पहुंचते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचने से पहले बाबा और सोन दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। बाबा और सोन तो दोनों बातें कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं कि वो दोनों यहीं आएंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। सोन बोलता है कि अगर यहाँ पे आ गए तो वो दोनों को यहीं पे मैं कच्चा खा जाऊंगा। ये बातें सुन के गुल्ली बुल्ली तो और डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि मैं बाबा और सोन का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम घर के पीछे से जाओ और कराकेट के ऊपर चढ़ के घर में जाकर चप्पल लेकर आओ। गुल्ली बोलता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है गुल्ली, कहीं मैं पकड़ा गया तो मुझे वो सब काट के मुझे भी जॉम्बी बना देंगे। मैं तो बोलता हूँ कि तुम ही चली जाओ। गुल्ली बोलता है कि ठीक है, मुझे पता था पहले से ही कि तुम बहुत बड़े डरपोक हो, इसलिए मैं ही जाता हूँ। गुल्ली घर के पीछे चला जाता है और बुल्ली इधर बाबा और सोन का ध्यान भटकाता है। गुल्ली बोलता है तेरा ध्यान किधर है, तेरा पापा इधर है। बाबा और सोन दोनों बुल्ली की तरफ देखते हैं। बाबा बुल्ली से बोलते कि अभी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और तुम्हारा दोस्त गुल्ली किधर है, तुम सिर्फ अकेले दिख रहे हो मुझे। बुल्ली बोलता है कि गुल्ली तुम दोनों के अर्थी का इंतजाम करने गया है, और इधर गुल्ली घर के साइड से जा रहा है। दोस्तों मुझे गुल्ली पर पूरा यकीन है कि वो अपना काम जरूर कर देगा। आप लोग को क्या लगता है, क्या गुल्ली घर से चप्पल लेकर आएगा, कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा। और इधर सोन गुल्ली से बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ गुल्ली, क्योंकि तुम्हारा तो मैं गुल्ली बिरयानी बनाऊंगा और गुल्ली का कबाब। बाबा बोलते हैं कि वाह बेटा सोन, तूने तो मेरा मुंह का बात छीन लिया, मुझे भी इधर कबाब और बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन तुम्हारे वजह से मुझे गुल्ली बिरयानी और गुल्ली कबाब खाने को मिलेगा। गुल्ली बहुत डर जाता है, वो बोलता है अगर मर्द के बच्चे हो तो मुझसे मत लड़ना, मेरे दोस्त गुल्ली से लड़ना। सोन बोलता है कि पहले तो तुम ये बता कि गुल्ली किधर है, क्योंकि वो कटेगा तो सब में बटेगा। और दोस्तों ये क्या, इधर तो अपना गुल्ली बेटा धीरे धीरे कराकट के ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब गुल्ली तो बैकफ्लिप मार के नीचे आ गया है और वो धीरे धीरे घर के अंदर जा रहा है। और इधर गुल्ली बाबा सोन से बोलता है कि बाकी जॉम्बीज कहाँ चले गए, मुझे तो तुम ही दोनों छपरी दिख रहे हो। बाबा बोलते हैं कि तुम इसकी टेंशन मत लो, बाकी सारे जॉम्बी धनिया मिर्चाई आदि लहसुन और बाकी मसाले लेने गए हैं,
तुम्हारा बिरयानी बनाना है इसलिए। बुल्ली शॉन को याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम लोग एक जॉम्बीज नहीं हो, तुम लोग हमारे ही साथी हो। बुल्ली बोलता है कि याद करो बाबा, अगर हम पे कोई मुसीबत पड़ता था तो तुम ही हमें बचाते थे, अब आज तुम ही हमारे मौत के प्यासे हो गए हो। और सोन तुम भी भूल गए, तुम ही हमारे घर में आके वीडियो गेम खेला करते थे, इडली सांभर खाया करते थे और आज हमें ही खाने की बात करते हो, शर्म करो शर्म। और बाबा तुम्हारा तो एक बार लंगोट भी फट गया था, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे लंगोट खरीदने के, तो मैंने तुम्हें अपना वाला लंगोट दे दिया था। बाबा बुल्ली से बोलते हैं, सॉरी पूरी कचौड़ी, हम तो तुमको खाएंगे। ये तीनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी पीछे से गुल्ली चप्पल लेकर आ जाता है। गुल्ली बाबा से बोलता है, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा पापा इधर है, तो पलट ना। बाबा और सोन गुल्ली की तरफ देखते हैं। गुल्ली बोलता है कि कैसे हो बुढ़ाऊ, अब तुम्हारी जो मैं हाल करने वाला हूँ वो तो तुम ही जानोगे। बाबा गुल्ली से बोलते हैं कि तुम क्या चप्पल सीने का बिजनेस चालू कर दिए हो, जो दोनों हाथ में चप्पल लिए हो। गुल्ली बोलता है कि ये चप्पल अभी मैं तुम्हारे मुंह में घुसाने वाला हूँ, शांति से बैठ बुढ़ाऊ। सोन बोलता है कि पहले तो तुम इधर आओ, उसके बाद तुमको बताते हैं कि कौन किसका मुंह में चप्पल घुसाता है। पीछे से बुल्ली जोर से चिल्लाता है, मार तेरा भूतनी के। और फिर गुल्ली अपना शस्त्र, मेरा मतलब है कि चप्पल, बाबा के मुंह पर फेंक कर मारता है। लेकिन बीच में जॉम्बीज आकर बाबा में जो चप्पल लगने वाला था वो अपने मुंह पे ही खा लेता है और फिर जॉम्बीज वहीं पे उलट जाता है क्योंकि चप्पल बहुत जोर से पड़ा था। बाबा बोलते हैं कि तूने मेरे आदमी को मार के सुता दिया, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर बाबा और सोन गुल्ली की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली काफी ज्यादा डर गया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेगा। और फिर बाबा और सोन गुल्ली के ऊपर छलांग लगा देते हैं। अब तो लग रहा है कि गुल्ली भी जॉम्बीज बन जाएगा। तभी बुल्ली डंडे से बाबा और सोन का नारियल को फोड़ देता है और बाबा और सोन वहीं पे लेट जाते हैं। बुल्ली सबसे पहले अपने दोस्त गुल्ली को उठाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक है और गुल्ली रहता है तो उसे डर नहीं लगता। और जब गुल्ली उठता है तो बुल्ली बोलता है कि तुम ठीक हो ना गुल्ली। गुल्ली बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, बस कमर में थोड़ा सा दर्द आ गया है। बुल्ली गुल्ली से बोलता है कि अब क्या किया जाएगा गुल्ली। गुल्ली बोलता है कि बाबा और सोन का सबसे पहले इलाज करेंगे, पहले तो बाबा को और सोन को चप्पल सुखा के उसे ठीक करेंगे। गुल्ली चप्पल लेके बाबा को सुखाता है, बाबा थोड़ी देर में ही होश में आ जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया गुल्ली और बुल्ली, तुमने मुझे ठीक कर दिया। जब मैं जॉम्बीज बना तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सोच रहा था कि तुम्हें मार कर खा जाऊं। गुल्ली बोलता कि कोई बात नहीं बुढ़ाओ, अगर तुम्हारे जगह पर मैं रहता तुम्हें भी तुम्हारा हड्डी तोड़ देता। बुल्ली बोलता कि अब बातें ही करते रहोगे कि सोन का भी इलाज करोगे। गुल्ली धीरे से सोन के पास जाता है और चप्पल उसके नाक पर जैसे ही ले जाता है सुखाने के लिए, सोन अपनी आंखें को खोल देता है और गुल्ली को एक लात मार देता है जिससे कि गुल्ली वहीं पर गिर जाता है। लेकिन बाबा को ये देखा नहीं गया, बाबा डंडे से सोन की कुटाई चालू कर देते हैं। बाबा सोन को इतना मारते हैं कि सोन फिर से बेहोश हो जाता है। गुल्ली बाबा से बोलते कि ये क्या किया बाबा, तुमने मेरे दोस्त सोन को मार मार के बेहोश कर दिया। बाबा बोलते कि अब मैं इसे ठीक नहीं कर सकता और ना ये चप्पल सुखाने से ठीक होगा क्योंकि ये काफी टाइम से जॉम्बीज बना हुआ है और इसके दिमाग पर जॉम्बीज पूरा कब्जा कर लिया है। तो बुल्ली बोलता तो कैसे होगा बाबा सोन का इलाज। बाबा बोलते हैं कि अब सोन को कोई एक ही बंदा ठीक कर सकता है और वो है मेरे गुरुजी बाबा कलुआ। गुल्ली बोलता कि इस वक्त बाबा कलुआ कहाँ मिलेंगे। बाबा कलुआ इस वक्त चंडाल पहाड़ के गुफाओं में मिलेंगे। गुल्ली बोलता तो चलो देर किस बात की। फिर बुल्ली बोलता कि सोन को भी लेकर चलना होगा। बाबा बोलते कि सोन को ले जाना खतरों से खाली नहीं होगा, अगर सोन को लेकर तुम लोग चंडाल पहाड़ पर नहीं पहुँच पाएंगे, हमें सोन को यहीं छोड़ देना होगा। सारे लोग जीप में बैठ जाते हैं और सारे चंडाल पहाड़ के पास जाने लगते हैं। लेकिन गाड़ी को जैसे ही घर के बाहर निकालते हैं सारे जॉम्बीज दौड़ दौड़ के आने लगते हैं और सारे जॉम्बीज गुल्ली बुल्ली की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली अपने जीप को बहुत ही तेज चला रहा है, वो जल्दी से जल्दी चंडाल पहाड़ के पास पहुँचना चाहता है। बाबा गुल्ली से बोलते हैं कि तुम थोड़ा जीप साइड में लगाओ, मैं इस सारे जॉम्बीज को हड्डियां तोड़कर एक कर दूंगा। गुल्ली बोलता है अगर मैंने जीप रोक दिया तो शायद हम लोग मारे भी जा सकते हैं। बाबा बोलते हैं कि थोड़ा साइड में तो रोको, उसके बाद तुम मेरा कमाल देखो। गुल्ली बोलता है हट बुढ़वा कहीं के, जान ले तो हम लोग के। लेकिन गुल्ली जीप को नहीं रोकता है,
बल्कि वो जीप को और स्पीड लेकर जाता है। बाबा के हाथ में खुजली हो रहा है जॉम्बीज को मारने के लिए। तभी गुल्ली बोलता है कि गाड़ी के पीछे एक बंदूक रखा होगा, मशीन गन, और ये मशीन गन को अच्छे से संभालना बुढ़ाओ, क्योंकि ये हमारे फौजी चचा लेकर आए थे और हमारे जीप में ही छोड़ दिए थे। बाबा बोलते कि मैं झुकूंगा नहीं साला। बुल्ली बोलता अगर मशीन गन टूटा तो तुम्हारा मार के मुंह कर देंगे काला। बाबा मशीन गन को हाथ में ले लेते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग चालू कर देते हैं। मुझे तो ये सीन देखकर केजीएफ चैप्टर 2 का याद आ गया है। लग रहा है कि बाबा रॉकी भाई है। बाबा जॉम्बीज ने तो गोलियों की बरसात कर दिए हैं और सारे जॉम्बीज वहीं पर ढेर हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही गुल्ली चंडाल पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। बाबा बोलते कि यही है चंडाल पहाड़, यही मेरे गुरुजी रहते हैं। बाबा बोलते कि गाड़ी को यहीं छोड़ दो, यहाँ से हम लोग पैदल चलेंगे। गुल्ली बोलता कि पहाड़ काफी ज्यादा डरावना लग रहा है, इसमें पक्का सांप बिच्छू जरूर होगा। बाबा बोलते कि अब कुछ भी हो हम लोग को तो जाना ही पड़ेगा बाबा कलुआ के पास। सारे लोग पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। बुल्ली बोलता है कि अभी तक हम लोग इतने देर से पहाड़ पर चढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक बाबा कलुआ नहीं दिखे हैं। बाबा बोलते कि हमें बस थोड़ा सा और ऊपर चढ़ना है, उसके बाद हमें बाबा कलुआ मिल जाएंगे। थोड़ी देर में ही सारे लोग बाबा कलुआ के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो गहरी तपस्या में लीन है और बाबा हवा में तैर रहे हैं और नीचे कील भी रखा हुआ है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो बाबा के पिछवाड़े में बड़े बड़े कील घुस जाएंगे, जो कि बाबा के लिए बहुत ही दर्दनाक पल होगा। गुल्ली बाबा को आवाज लगाता है, वो बोलता है बाबा बाबा उठिए, लेकिन बाबा तो कुछ गुल्ली को जवाब ही नहीं दे रहे हैं। गुल्ली बोलता है कि बाबा शायद बहरे भी हैं। बाबा लंगोटीलाल बोलता है कि नहीं, बाबा जब तपस्या में लीन होते हैं तो वो अपनी आंखें तपस्या के बाद ही खोलते हैं। बुल्ली बोलता है कि चलो बाबा, तब तक हम लोग यहाँ कहीं चाय नाश्ता कर लेते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। बाबा बोलते कि तेरा बाप यहाँ होटल खोल के नहीं बैठा हुआ है जो यहाँ पे तुझे चाय नाश्ता देगा। बुल्ली बोलता है कि बाप पे कैसे चल गया बे। बाबा बोलते कि ठीक है मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दो, लेकिन यहाँ पे कहीं घूमटी देखो, कहीं बिमल मिल रहा है कि नहीं। गुल्ली बोलता है कि ये सब सिचुएशन में भी तुम्हें बिमल खाने का मन कर रहा है। बाबा गुल्ली से बोलते हैं बोलो जुबा केसरी। सारे लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी पीछे से पता नहीं कौन त्रिशूल फेंकता है जो कि गुल्ली को लगते लगते बसता है। सारे लोग मुड़कर जब पीछे देखते हैं तो पीछे उन सबका जानी दुश्मन सोन खड़ा हुआ होता है। सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अब तो बाबा भी तपस्या में लीन है, अब हमें कौन बचाएगा। बाबा बोलते कि तू यहाँ से चला जा वरना इतना चप्पल मारूंगा कि तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बाबा कितना बोलते ही सोन बाबा पे टूट पड़ता है और बाबा पे मुक्कों की बारिश कर देता है और गुल्ली बुल्ली मजे से बाबा और सोन का मजेदार कुश्ती वाला लड़ाई देख ही रहे होते हैं। तभी बुल्ली बोलता अगर पॉपकॉर्न मिल जाता तो और मजा आता। तभी सोन बाबा को मार के सुता देता है और फिर गुल्ली बुल्ली को मारने के लिए जाता है। धीरे धीरे सोन गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगते हैं। तभी बीच में बाबा कलुआ आ जाते हैं। सोन बाबा कलुआ के पास आता है और एक थप्पड़ मुंह पे दे देता है। बाबा कलुआ बोलते हैं अब की मार मार दिया तो तुमको बहुत मारेंगे, लास्ट बार छोड़ रहे हैं, अब की मारा तो बहुत मारेंगे। बाबा को थप्पड़ खाने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो फिर सोन के अखरोटों को फोड़ देते हैं। सोन वहीं पर लेट जाता है क्योंकि दर्द बहुत बड़ा था। और फिर बाबा कलुआ मंत्र पढ़कर बाबा और सोन को फिर से ठीक कर देते हैं। सोन बोलता है कि बहुत धन्यवाद बाबा, तुमने मुझे ठीक कर दिया, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। बाबा कलुआ बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। और फिर बाबा कलुआ बोलते हैं बाबा लंगोटी लाल को, क्या बे लंगोटिए, तुम बहुत दिन से आ नहीं रहे थे। बाबा लंगोटी लाल बोलते हैं कि बस ऐसे ही नहीं आ रहा था क्योंकि तुम्हारा मुंह देखने का मन ही नहीं करता है। बाबा कलुआ बोलते हैं क्यों, तो बाबा लंगोटी लाल बोलते हैं कि तुम्हारा मुंह गधे के जैसा है। गुल्ली बोलता कि बाबा बहुत ज्यादा काले हैं। बाबा कलुआ बोलते कि ये सब धूप में कड़ी तपस्या का कमाल है। बाबा लंगोटीलाल गुल्ली बुल्ली से बोलते कि ये झूठ बोल रहा है, पहले बाबा लंगोटीलाल कोयले की खान में काम करते थे इसलिए इतना काला है। सोन बोलता कि मैं आपको गोरा कर सकता हूँ, मैं आपको एक क्रीम बताता हूँ फेयर एंड लवली,
वो लगाइए, आप गोरा हो जाएंगे। बाबा कलुआ बोलते हैं कि ठीक है अब यहाँ से निकलो तुम लोग, बहुत माथा चाट लिए। गुल्ली बोलता है कि बहुत रात हो रहा है बाबा, आज रात भर हमें यहाँ रह लेने दो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, सांप बिच्छू भी बहुत रहते हैं। बाबा अपना आईफोन से ओला बुक करते हैं। दो गाड़ी बाबा मंगवाते हैं, थोड़ी देर में दोनों गाड़ी आ जाती है। सारे लोग उसमें बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ज़ॉम्बी हॉरर स्टोरी की पूरी पार्ट्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ कमेंट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था।